नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बुक चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सम्मेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मेलित कीजिए। जून 2005 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण तो ये प्रताप नारायण मिश्र, तो सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। वासुधा तो ये कमला प्रसाद। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मेलित कीजिए। जून 2006 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। बाल बोधनी किसकी पत्रिका है? तो ये भारतेंदु। हंस तो प्रेमचंद्र। प्रतीक तो ये है आगे की। कल्पना, कल्पना किसकी है? तो भद्री विशाल की। यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सम्मेलन कीजिए। दिसंबर 2006 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? तो ये बालकृष्ण भट्ट। बंगदूत तो ये राजा राम मोहन राय। उदांत मार्तांडे तो ये पंडित जुगल किशोर। मतवाला निराला की। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मेलित कीजिए। जून 2007 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। पहल किसकी है? तो ये ज्ञान रंजन। वासुदा तो ये कमला प्रसाद। तद्भव तो ये अखिलेश। कथाक्रम तो ये शैलेंद्र सागर। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित को सम्मेलित कीजिए। दिसंबर 2008 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। नया ज्ञानोदय किसकी है? तो ये रविंद्र कलिया। साहित्य अमृत तो ये त्रिलोक नारायण चतुर्वेदी। वाक तो सुधीश पचौरी। और दस्तावेज तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मेलित कीजिए। जून 2009 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। भारतेंदु किसकी पत्रिका है? तो ये राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत तो ये है बनारसी दास चतुर्वेदी। आज तो ये शिव प्रसाद गुप्त। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती हूँ। तो चलिए सातवां प्रश्न। निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सम्मेलित कीजिए। दिसंबर 2009 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। हंस पत्रिका किसकी है? तो ये राजेंद्र यादव। संचेतना तो ये महीप सिंह। आलोचना किसकी है? तो ये अरुण कमल। दस्तावेज किसकी है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है किस तरह से। अगला प्रश्न। संपादकों को उनके पत्रिकाओं के साथ सम्मेलित कीजिए। जून 2010 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। अखिलेश की पत्रिका कौन सी है सूची 2 में? तो ये तद्भव। नमिता सिंह की तो ये आ जाएगा वर्तमान साहित्य। राजेंद्र कुमार की है बहुवचन। प्रभाकर श्रोत्रे के है पूर्वाग्रह। इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित को सम्मेलित कीजिए। दिसंबर 2010 का प्रश्न है। आलोचना पत्रिका किसकी है? तो ये अरुण कमल। तद्भव अखिलेश। हंस तो राजेंद्र यादव। वाक सुधीश पचौरी। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों को सम्मेलन कीजिए। जून 2011 का प्रश्न है। वागर्थ किसकी है? तो ये विजय बहादुर सिंह। नया ज्ञानोदय तो ये रविंद्र कलिया। वासुधा तो ये कमला प्रसाद। रंग प्रसंग तो प्रयाग शुक्ल। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। ग्यारहवां प्रश्न।
निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। श्याम सुंदर सेन की पत्रिका कौन सी है? तो समाचार सुधा वर्षन। राजा लक्ष्मण सिंह की तो प्रजा हितेशी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो कवि वचन सुधा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है आनंद कदम्बनी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2012 का प्रश्न है। सार सुधा निधि का प्रकाशन वर्ष 1879, बंगदूत का 1829, भारत मित्र का 1877, हंस 1930। इस तरह सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, जून 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 13वां प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका किसकी है? तो ये अगे, विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी, करमवीर तो माखनलाल चतुर्वेदी, चांद तो ये महादेवी वर्मा। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2012 का प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास की है पीयूष प्रवाह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है आनंद कदम्बनी, बालकृष्ण भट्ट की तो हिंदी प्रदीप। इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो देखिए किस तरह से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार प्रीवियस ईयर के, और इस तरह आगे भी रिपीट होंगे 2021 में जो होने वाले हैं प्रश्न इन पत्र पत्रिकाओं से। और इनमें से ही क्या, हर टॉपिक में से जो मैंने आपको अभी तक करवाया है, और उनको आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए ओपन करके, और एक एक वीडियो को किस तरह से ऑप्शंस रिपीट होते हैं और उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इनको सुमेलित करते हैं। कवि वचन सुधा, देखिए यहाँ पे अब इनको उल्टा करके पूछा हुआ है, पहले पूछा गया था कवि की पत्रिका, अब पत्रिका देकर इनको सुमेलित करने को पूछा गया है, तो ये किसकी है? इसी तरह से अलट पलट करके प्रीवियस ईयर को ही पूछा जाता है, तो ये है बाबू हरिश्चंद्र। ब्राह्मण तो ये प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप तो ये बालकृष्ण भट्ट, विश्व भारती तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला करते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका इनमें से कौन सी है? देखिए अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका इसमें बदल दी गई है, अब यहाँ पे बाल बोधनी दे दी है। धर्मवीर भारती की तो धर्मयुग, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का आनंद कदम्बनी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो पत्रिका आनंद कदम्बनी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2013 का प्रश्न है। यहाँ पे सितंबर है, पर यहाँ पे सितंबर नहीं दिसंबर का है ये प्रश्न, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। समालोचक पत्रिका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंदु तो अंबिका प्रसाद गुप्त, अभियुदय तो ये किसकी है? मदन मोहन मालवीय, प्रताप तो गणेश शंकर विद्यार्थी। इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए, जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन स्थान कौन सा है? तो ये काशी। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन स्थान कौन सा है? तो ये काशी। सम्मेलन पत्रिका का इलाहाबाद, पहल पत्रिका जबलपुर, नया प्रतीक तो ये दिल्ली। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं।
अनंत कदम्बनी तो इसका आ जाएगा मिर्जापुर, ब्राह्मण तो ये कानपुर, और हिंदी प्रदीप तो प्रयाग, उचित प्रवक्ता तो ये आ जाएगा कलकत्ता। इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। 20वां प्रश्न जून 2014 का है, तो चलिए इनको सम्मिलित करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का है पत्रिका, प्रताप, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है समालोचक, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कवि वचन सुधा, महादेवी वर्मा का है चांद। इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका इनमें से कौन सी है? कवि वचन सुधा, प्रेमचंद्र की है हंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है सरस्वती, अगे की है प्रतीक। इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। तो ये खत्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लेकर आपकी फीडबैक क्या है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। ऐसे ही आपको इसके सारे टॉपिक वाइज वीडियोज़ लेक्चर उपलब्ध करवाऊंगी, और साथ में ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।